हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपका डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट रहता है वो अगर काम नहीं कर रहा है या फिर काम कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, इसका मैं आज के सॉल्यूशन बताऊंगा। 100% वर्किंग फुल ट्रिक्स होने वाला है और आपका जो फिंगरप्रिंट है अच्छी तरह से काम भी करेगा। अगर स्लो काम कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा जैसे पहले था। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों देखिए, मेरा डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और मेरा डिवाइस में फिंगरप्रिंट में मुझे कुछ इशू देखने को मिल रहा है। अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है फिंगरप्रिंट सेट करने के बाद भी। अगर आपका डिवाइस में फिजिकल फिंगरप्रिंट या फिर साइड पॉइंट पर फिंगरप्रिंट होता है तो आप इस वीडियो को देखना। सभी का सेटिंग सेम टू सेम एक ही होता है और ये ऑल एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। आपके पास किसी भी ब्रांड का डिवाइस है, सभी में 100% वर्क करेगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले तो मेरा डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट है आप देख लीजिए, ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। मेरा में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो गाइस, चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपका डिवाइस में आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट ऑलरेडी सेट हुआ है उसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है फर्स्टली। तो जस्ट आपका डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन में जाना होगा। आपका डिवाइस में जो भी ऑप्शन है, सिक्योरिटी या फिर फिंगरप्रिंट या फिर लॉक पासवर्ड, जो भी ऑप्शन है आपको देखिए, जस्ट यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कुछ इसी तरह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी फिंगरप्रिंट आप पहले सेट किया होगा उसको आपको एक एक करके डिलीट कर देना है। यहाँ पे देखिए, आपको फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है और आपका डिवाइस में जो भी पेटम वगैरह है उसको डाल देना है। तो मेरा डिवाइस में जो पेटम है मैं इसको डाल देता हूँ। तो पेटम डालने के बाद आपका डिवाइस में जो ऑलरेडी फिंगरप्रिंट सेट हुआ है उसको आपको दिखाई देगा। तो गाइस, मेरा डिवाइस में देखिए दो फिंगरप्रिंट सेट हुआ है। तो सिंपली मैं इसको एक एक करके डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे डिलीट हो चुका है और दूसरे भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो जाने के बाद आपको जस्ट जो सेटिंग का मेन पेज है आपको वहां पे जाना होगा। जाने के बाद आपको नीचे में जाना होगा। जाने के बाद आपका इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐप या फिर ऐप मैनेजमेंट। आपका डिवाइस में जो भी ऑप्शन है आपको जस्ट उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए, मेरा डिवाइस में यहाँ पे एप्स नाम से है, जस्ट एप्स ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ऊपर में देखिए आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस देखिए, बिल्कुल कॉर्नर में आपको 3 डॉट या फिर 2 डॉट देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद शो सिस्टम का एक छोटा सा आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको शो सिस्टम ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक सर्च बार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट सेटिंग लिखना है। तो गाइस देखिए, मैं भी यहाँ पे सेटिंग लिख लेता हूँ, ACTTING। तो सेटिंग लिखने के बाद आपको जस्ट सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद गाइस देखिए, इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज यूजेस। जस्ट आपको स्टोरेज यूजेस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए आपको जो इसका जो कैश देखने को मिल रहा है इसको जस्ट आपको क्लियर कर देना है। कैसे को क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टॉप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको फोर्थ स्टॉप ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो फोर्थ स्टॉप ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप होम पेज में आ जाओगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे फोर्थ को मैं स्टॉप किया, होम पेज में आ चुका हूं। तो होम पेज में आने के बाद आपके फिर से आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिवाइस में जो एडिशनल सेटिंग है वहां पे आपको जाना होगा। तो गाइस देखिए, मेरा डिवाइस में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग नहीं, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग का एक ऑप्शन है। तो अगर आपके पास रियलमी डिवाइस है तो आपको एडिशनल सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग नाम से आएगा। रियलमी के छोड़ के किसी अदर डिवाइस है जैसे कि ओप्पो, वीवो या फिर सैमसंग, उन सभी का यहाँ पे एडिशनल सेटिंग नाम से आएगा। जस्ट आपको एडिशनल सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट में आना होगा। आने के बाद गाइस देखिए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैकअप एंड रिसेट का। आपको जस्ट बैकअप एंड रिसेट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए गाइस, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिसेट फोन। आपको जस्ट रिसेट फोन ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इरेज ऑल डाटा। आपको ध्यान में रखना होगा जो नीचे में सबसे नीचे में जो ऑप्शन है इरेज ऑल डाटा, आपको ये जो ऑप्शन है इसमें आपको भूल कभी क्लिक नहीं करना है। आपको जस्ट मिडिल में जो ऑप्शन है रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डिवाइस में जो पैटर्न है उसको आपको डाल देना है। तो मेरा डिवाइस में जो पैटर्न है गाइस, मैं इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे में गाइस देखिए, इसके नीचे में एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। और गाइस आपको एक बार ध्यान में रखना होगा, ये जो रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली इसको करने के
बाद आपका डिवाइस में कुछ भी डाटा, फोटो, वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। आप पे टेंशन मत लेना, ओनली फॉर जो भी सिस्टम या पे सेटिंग हुआ है ओनली फॉर वो रिसेट होगा। मतलब आपका डिवाइस में कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होगा, जस्ट जो सेटिंग है ओनली फॉर वो यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली का पॉपअप आ जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे आपको जस्ट दो बार इसी तरह आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए आपका डिवाइस में जो भी सिस्टम सेटिंग है वो यहाँ पे ओनली फॉर रिसेट हो जाएगा। तो गाइस देखिए मेरा डिवाइस में यहाँ पे धीरे धीरे रिसेट हो रहा है, सिस्टम सेटिंग ओनली यहाँ पे रिसेट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो बैक आने के बाद आपका डिवाइस में आका जो पावर बटन और यहाँ पे जो वॉल्यूम आप, इन दोनों को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है और कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा वाइब्रेट होगा और फोन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच ऑन भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो पावर बटन और वॉल्यूम आप दोनों को मैं यहाँ पे एक साथ यहाँ पे प्रेस करके रखा हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वाइब्रेट होगा और डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिकली स्विच ऑन भी हो जाएगा। तो गाइस देखिए गाइस मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है और थोड़ा सा वाइब्रेट भी हुआ और डिवाइस ऑन भी हो रहा है। तो गाइस ये जो सेटिंग है ये आपको मस्ट करना होगा, नहीं तो आपका डिवाइस में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और गाइस देखिए जब तक डिवाइस यहाँ पे ऑन हो रहा है आप जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे आपको लाल कलर का एक छोटा सा सब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में प्रेस कर देना, मैं जैसे ही कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास फटाक से तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए रियलमी का लोगो आ चुका है, मेरे पास रियलमी का डिवाइस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं डिवाइस पूरी तरह के बूट होने तक। तो गाइस देखिए मेरा डिवाइस यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो ऑन होने के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको आपको दोबारा सा सेट करना होगा, इसलिए आपको जो सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपका उसी तरह पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना होगा, फिंगरप्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी पैटर्न वगैरह पासवर्ड वगैरह है उसको आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको आपका डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट है उसको आपको सेट कर लेना है। तो गाइस देखिए मेरा डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट है मैं इसको सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो आप इसी तरह आपका डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट है उसको सेट कर लेना। अगर आपके पास फिजिकल फिंगरप्रिंट है पीछे की तरफ तो आप पीछे में टच करके फिंगरप्रिंट आपको सेट कर लेना। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ पे डिवाइस में फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट हो चुका है। तो फिर आप ये बात देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेट कैसे काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत ही फास्ट हो चुका है। आप देखिए जस्ट टच करने के बाद ही डिवाइस यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है, आप देखिए। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको जितने सारे प्रोसेस बोला आप एक एक करके उसको फॉलो करना, आपका डिवाइस में फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग जो भी इशू हो रहा है वो यहाँ पे सॉल्व। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को जरूर आप मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में फिंगरप्रिंट के अलावा और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी मैं सॉल्यूशन 100% लेके आऊंगा। तो गाइस मिलते हैं और इतना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।